हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 7 जून 2023। आज जो फोकस न्यूज़ होगा वो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे कोसोवो के बारे में होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोसोवो और सर्बिया के बीच में जो कुछ टेंशन चल रहा है यूरोप में एक बार फिर से, अगर आप देखेंगे तो एक जगह पर रशिया यूक्रेन क्राइसिस तो चल ही रही है, और द नेक्स्ट इज कोसोवो सर्बिया। अब ये कोसोवो सर्बिया का क्या बैकग्राउंड है, ये पूरा एक एक्सपीरियंस सीरीज है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा जो हम बात करेंगे, टुडे वी विल टॉक अबाउट द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये इसको कहते हैं साइलेंट पेंडेमिक, ठीक है। अब इसका जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, जो इसका क्या इम्प्लीकेशन है, इसका हेल्थ इम्प्लीकेशन क्या होता है, और कैसे कोविड-19 के टाइम ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे अबाउट द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ओके, सो दिस टू न्यूज़ विल बी टू मच इन फोकस। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम आज फिर से मणिपुर का जो है वो रिविजन कर लेंगे। एक बार एडिटोरियल आया है मणिपुर में जो क्राइसिस चल रहा है, न्यूज़ भी उससे रिलेटेड कुछ आई हैं, तो ये वायलेंस है, तो वी विल जस्ट डू अ रिविजन फ्रॉम द एडिटोरियल सीरीज। ओके, सो बिफोर मूविंग टू दैट इम्पोर्टेंट न्यूज़, हम पहला न्यूज़ दे देते हैं, दैट इज CBI गैदर्स एविडेंस, 83 बॉडीज यट टू बी क्लेम। तो ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं, ये हम ओडिशा में जो ट्रेन कोलिजन हुआ है बहानगा बाजार और बालासोर रेलवे स्टेशन के बीच में, एंड इंक्वायरीज अबाउट द सिग्नलिंग सिस्टम। हमने कल भी ये न्यूज़ पढ़ा था कि अब डबल लॉक सिस्टम जो है वो लागू होगा। अब रेलवे बोर्ड ने जो है सारे जनरल मैनेजर्स को लिखा है कि नाउ यू हैव टू एंश्योर द डबल लॉकिंग सिस्टम फॉर द सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स इन द गोमतीस। अब जो न्यूज़ इसमें एडअप होने वाला है वो ये है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टीम accompanied by forensic experts, now they have examined the site of June 2 incident involving, यहाँ पर आप जैसे आप जानते हैं, एक तो था कोरोमंडल एक्सप्रेस, दूसरा था यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, और एक गुड्स ट्रेन दैट इज फ्राइट ट्रेन एट बहानागा बाजार इन ओडिशा। अभी तक जो इसमें लाइफ क्लेम हुई है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट जो हुआ है, दैट इज 288 लाइफ्स एंड इट हैज़ लेफ्ट मोर देन 1200 इंजर्ड। अब जो सेक्शंस हैं जिसके अंडर ये सारा रजिस्ट्रेशन हुआ है केसेस का, तो सी सेक्शन 337 कॉजिंग हर्ट बाय एक्ट एंडेंजरिंग द लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, देन 338 कॉजिंग ग्रीवियंस हर्ट बाय एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, देन 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, एंड 34 एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ द इंडियन पेनल कोड, एंड देन सर्टन रेलवे एक्ट प्रोविजंस विल ऑल्सो बी इन्वोक्ड। अब हम आते हैं मणिपुर के इशू पे, दैट इज़ यूजफुल फर्स्ट स्टेप। तो इसका बैकग्राउंड मैं आपको एक बार पहले ही बता देता हूँ। तो मणिपुर इट इज़ अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इसका जो कैपिटल है वो है इम्फाल। अब यहाँ पे दो ग्रुप्स के बीच में झगड़ा है, एक तो है मैतीस, दूसरे हैं कुकीज एंड अदर हिल ट्राइब्स, ठीक। मैथिस का डिमांड क्या है, दे वॉन्ट टू बी इंक्लूडेड इन द एसटी लिस्ट विच इज बिंग अपोज बाई कुकीज एंड अदर इनहेबिटेंट्स, ठीक। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि ये जो वायलेंस ब्रेक हुआ ये May 3 में हुआ, ठीक, तो कुछ वेपन्स जो हैं वो पुलिस स्टेशन से रॉब किए गए थे, और हमारे होम मिनिस्टर के कहने पे अभी तक कुछ वेपन्स जो हैं अराउंड 18% वेपन्स दे हैव बीन रिटर्न टू दी police station, okay. At the same time, there are certain Kuki militant groups, now they have also been asked to adhere to suspension of operations agreement which was reached between them in 2008. उसके बाद अगर आप देखें तो अब सेंटर ने क्या किया है, एक 3-member panel जो है उसको सेटअप किया है टू प्रूव द एथनिक वायलेंस इन मणिपुर। अभी तक अगर आप देखेंगे कि ये जो वायलेंस है इसको एथनिक वायलेंस नाम सबसे पहले हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिया था, इसने अभी तक 100 लाइफ्स क्लेम किए हैं एंड हैज लेड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 35,000 पीपल। अब इसका टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है पैनल का, अगर आप देखें तो इंक्वायरी इनटू द कॉजेज एंड द स्प्रेड ऑफ वायलेंस, ये पहला होगा कि कॉजेज क्या थे और वायलेंस स्प्रेड होने में उसका पता लगाना। उसके बाद वॉज देर एनी डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटीज बाई दी अथॉरिटीज, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि कहीं किसी वजह से अथॉरिटीज़ ने लेट एक्ट किया या जल्दी एक्ट नहीं किया, तो उसका भी पता लगाना है।
नाउ अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो जितने भी वायलेंस हुए, सो सी दिस रायट्स एंड एथनिक वायलेंस इन पर्टिकुलर, दिस हैज हैपेंड विद द हेल्प ऑफ लूटेड वेपन्स फ्रॉम पुलिस आर्मरीज, विच इज वन ऑफ द यू कैन से अ फीचर ऑफ दिस वायलेंस। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक फिगर है जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज द आर्सन एंड वायलेंस कंटिन्यू इन द स्टेट इवन आफ्टर द यूनियन होम मिनिस्ट्री मिनिस्टर विजिटेड अफेक्टेड एरियाज एंड ओनली 18% ऑफ द लूटेड वेपन्स हैव बीन रिटर्न टू द आर्मरीज। तो मतलब कि वेपन्स जो हैं उन्हें चुराया गया, फिर वायलेंस हुआ और सिर्फ 18% ही रिटर्न हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो ट्रस्ट एक डेवलप हो जाना चाहिए, ठीक है, तो हमारे होम मिनिस्टर के विजिट के बाद वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। तो यू कैन सी दैट इट सजेस्ट दैट देर इज डिस्ट्रस्ट अमंग द टू एथनिक कम्युनिटीज, दैट इज मैथीज एंड कुकीज। ओके, उसके साथ साथ अगर आप देखें तो अब तो BSF को भी यहाँ पे बुला लिया गया है। तो यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स हैं, दे हैव क्रिएटेड अ बफर एरिया बिटवीन द इम्फाल वैली एंड एडजॉइनिंग हिल एरियाज वेयर द कुकी पीपल लिव। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जैसे कि मैथीज जो हैं दे डोमिनेट इम्फाल वैली, ठीक है, अब कुकीज जो हैं दे डोमिनेट हिल्स। तो अब यहाँ पे देखिए सीन क्या है, व्हाट इज द थिंग ओवर हियर, दैट इज सिंस दिस इज द हिल एरियाज सो मैथीज दे कैनॉट बाई लैंड इन कुकीज एरिया, फाइन, बट कुकीज दे कैन बाई लैंड इन इम्फाल वैली। ओके, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम बिटवीन मैथीज एंड कुकीज। देन द सेकेंड प्रॉब्लम इज ऑलवेज द ड्रग्स प्रॉब्लम। नाउ इफ यू विल सी, अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं टू कम्युनिटीज के, दे आर फ्रॉम डिफरेंट एथनिसिटीज बट दे बिलोंग टू सेम पार्टी। ये जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं दे कैन एक्ट एज द बेरर ऑफ पीस एंड रिकन्सिलेशन, मतलब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है फॉर बिल्डिंग द ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज। अब यहाँ पे देखिए ग्रीवियंस क्या है, सी मैनी अमंग द कुकीज एंड द नागा ट्राइब्स हु डोमिनेट दिस हिल एरियाज, ये हिल एरियाज में रहते हैं, ओके, दे से दैट द स्केड्यूल ट्राइब स्टेटस ऑफ मैथीज इट इज अनजस्टिफाइड। ओके, द सेकेंड इज विच आई टोल्ड यू, दैट इज दैट द मैथीज दे हैव द ग्रेवियर दैट दे लैक द प्रिविलेज ऑफ ओनिंग लैंड इन हिल एरियाज। द नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल पैटर्न्स ऑफ लैंड ओनरशिप एंड ड्वेलिंग बाई द कुकीज हैव ऑल्सो मेड देम ससेप्टेबल टू क्लेम दैट दे हैव एनक्लोज ऑन रिजर्व फॉरेस्ट एंड द स्टेप्स टेकन बाई द गवर्नमेंट टू क्लियर सच एरियाज हैव क्रिएटेड एन इम्प्रेशन ऑफ सीज मेंटेलिटी अमॉन्ग दैम। तो मैंने आप लोगों को एक कुछ दिन पहले कुकीज कस्टम के बारे में बताया था कि कुकीज में एक कस्टम चलता है कि शादी के बाद जो कपल्स हैं उनको अलग से घर बनाया जाता है। तो हिल एरिया में देर इज अ प्रोलीफरेशन ऑफ यू कैन से ड्वेलिंग्स इन द हिल एरिया विच इज सीन बाई द मैथीज एज द एनक्रोचमेंट इन द रिजर्व फॉरेस्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, सीइंग इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू इट्स स्टेट्स। तो यहाँ पे हम जो एनर्जी ट्रांजिशन की जब बात करते हैं तो इट मीन्स ग्रीन एनर्जी। तो यहाँ से रिलेटेड आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए, इंडिया के जो क्लाइमेट एक्शन गोल्स हैं ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो ये इंडिया का क्लाइमेट एक्शन गोल्स क्या क्या है। तो एक तो इंडिया का जो क्लाइमेट एक्शन गोल अभी जो चल रहा है वो ये है कि बाय 2030 50% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी विल बी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस, 50%, which accounts for about 500 gigawatt by 2030। ये एक क्लाइमेट एक्शन गोल है, ये दो मतलब बन जाते हैं क्लाइमेट एक्शन गोल। ओके, देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट एक्शन गोल इज नेट जीरो कार्बन। ओके, नेट जीरो कार्बन दैट इज बाई 2070, फाइन। सो दिस आर द क्लाइमेट एक्शन गोल्स। सो इससे रिलेटेड अगर आप देखेंगे now we their focus is now on renewable energy, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें renewable energy में so solar, wind, tidal, geothermal, these are some of the examples of renewable energy, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक टारगेट इंडिया का ये भी है कि बाई 2022 देयर शुड बी 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड।
So these are some of the important goals. Now, if we see the pattern of distribution, that if India wants to achieve this goal, so the role of states become very important in achieving that goal. That is the first point. Second point, states will cooperate in achieving these goals only if it is aligned with their goals. That is very important to think. That if you will see the first thing, that states, they are critical actors in India's energy transition, as there is multi-tier governance of energy production and usage. Fine. But this can only happen when these goals are aligned with their own goals. Ki states ke own goals se ye align ho. If you will see that there are few states only, okay, which are their performance in installing the renewable energy capacity is very good. Agar aap data dekho yahan pe, important data, that is about 80% of the current renewable energy capacity is confined to 6 states in West and South India. Uske baad agar aap dekhen, the significant proportion of the target jo achieve hua hai wo 3 states se aata hai, that is Gujarat, Karnataka and Rajasthan. So yahan pe agar aap dekhenge, that since India follows the federal mode of administration, where you have central government, state government likewise. So yahan pe agar aap dekhenge, that states, they are spheres of implementation and they are critical for realization of national targets. That is the first thing. Second, that these goals should be aligned with state priorities and capabilities. Ye ek second issue hai jisko dimag mein rakhna hai. Second, agar aap dekhen, the legacy issues in electricity sector. Ab ye legacy issues kya hai electricity sector mein? Jaise high losses, unreliable supply and service quality. Okay, that should also be addressed so that state can meet these targets. For example, agar aap yahan pe dekhenge, that acha third point kya hai, states as laboratories of policy innovations have been instrumental to India's energy transition. To yahan pe states khud experiment kare, jo bhi renewable energy capacity wo fatafat add kar sakte hain, to usse hamara jo national goal hai wo bahut zyada achieve ho jayega. Jaise ki Gujarat and Rajasthan, they are leaders in solar energy. Maharashtra and Tamil Nadu, they are leaders in wind energy technology. Uske saath saath grassroots level pe bhi transition lana bahut zaruri hai. Abhi hum kaise la sakte hain? So just see, ab ek government ka program hai, it is called as PM Kusum. Theek hai, PM Kusum focuses on solarization of agriculture. Fine. To yahan pe agar aap dekhen, to here the states can experiment with this program PM Kusum, which increases the penetration of solar energy in agriculture also. Okay, ab hum yahan pe aate hain, cross sectoral link interlinkages, their constraints and opportunities for transition. For example, agar hum electric vehicles penetration pe focus kare, to electric vehicle ka jo penetration hai wo urbanization se linked hai. Fine. So the rapid rate of urbanization jis states mein bhi ho raha hai, if they go for electric vehicle penetration, so we can help in making the transportation sector more green, and then we can also focus on other things like green buildings for energy transition. Ab hum aate hain central mandates to update the state action plans on climate change. To ye kuch issues hain jinko resolve karna bahut zaruri hai. To isme se pehla kya hai कि हर स्टेट का जो नेशनल जो स्टेट एक्शन प्लान है फॉर क्लाइमेट चेंज, उसको अपडेट किया जाए. उसके बाद देयर शुड बी स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमिटी फॉर एनर्जी ट्रांजिशन एंड रेगुलर मीटिंग्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट एनर्जी मिनिस्टर्स टू रीइंफोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट्स. द नेक्स्ट इज स्टेट लेवल फ्रेमवर्क. तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हर स्टेट का भी अपना एक फ्रेमवर्क होना चाहिए टू एड्रेस द इशू ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन. ओके, तो यहाँ पे अगर हर स्टेट का अपना फ्रेमवर्क है, तो ये क्या करेगा, जो ट्रांजिशन का जो पूरा मॉडलिटी है. ओके, सो इट विल बी मेड इन सच अ वे विच इज हेल्पिंग टू एक्सपेडाइट द अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अलोंग विद द नेशनल गोल्स. ओके, द सेकंड बेनिफिट इज ट्रांसपेरेंसी. ओके, विच वुड एनेबल द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स इन द प्रोसेस एंड एंश्योर पब्लिक लेजिटिमेसी एंड बाय इन टू कॉम्प्लेक्स डिसीजन. मतलब कि अगर एक स्टेट लेवल फ्रेमवर्क है, तो वो एक ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेगा, जिससे क्या होगा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है ना, वो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ज़्यादा अकाउंटेबल होंगे, और जो पब्लिक लेजिटिमेसी होती है किसी भी पॉलिसी की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. उसके बाद एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू स्टेट प्रिपेयरनेस वुड क्रिएट अ ग्रेटर सेंसिटिविटी टू स्टेट लेवल डाइवर्सिटीज ऑन प्रायोरिटीज कैपेसिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज इन द नेशनल पॉलिसी डिस्कोर्स. उसके बाद अगर हर स्टेट का अपना अगर एक फ्रेमवर्क है, दैट विल हेल्प द स्टेट टू हैव इट्स ओन प्रायोरिटीज
द कैपेसिटी दे नीड टू बिल्ड अप टू अचीव द टारगेट एंड द अपॉर्चुनिटीज इट विल बी क्रिएटेड इन द स्टेट. द नेक्स्ट इज चाइना ओवरटेक्स द यूएस इन साइंटिफिक रिसर्च आउटपुट. यहाँ पर आप देखेंगे दैट चाइनीज रिसर्चर्स रिसर्च एफिलिएटेड और फैसिलिटीज विच आर बेस्ड इन चाइना नाउ दे आर पुटिंग आउट मोर रिसर्च पेपर एज कम्पेयर टू यूएसए. अब हम यहाँ पर अगर आप देखें दैट 1976 में चाइना ने फोकस किया साइंस टेक्नोलॉजी और उसके इन्वेस्टमेंट पे एज अ पार्ट ऑफ फोर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम. अब 2015 आते आते अगर आप देखेंगे चाइना का कंट्रीब्यूशन कितना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे देन दैट इज 2.07% ऑफ इट्स जीडीपी. अगर हम नंबर्स की बात करें तो 2018 में मोर देन 4 मिलियन साइंटिफिक रिसर्चर्स विद इन दिस बॉर्डर हैव प्रोड्यूस्ड द पेपर्स. ओके, अब हम चलते हैं चाइना के एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम पे दैट इज 1000 टैलेंट प्रोग्राम. फाइन, नाउ दिस 1000 टैलेंट प्रोग्राम इट वॉज लॉन्च इन 2010 एंड इट हैज़ इंटेंसिफाइड अकम्पलिश रिसर्च स्कॉलर्स टू मूव टू चाइना वेयर दे कुड रिसीव लार्ज वन टाइम बोनसेस स्पेशल रिसर्च फंड्स प्रायोरिटीज ऑन ग्रांट्स प्रिविलेजेस ऑन देयर वीजा एंड हाउसिंग. अगर आप देखें एक स्टडी है कि यंग वर्जन ऑफ द स्कीम ओके इट हैज़ ब्रॉट मैनी यंग साइंटिस्ट बैक टू चाइना बट नॉट पीपल हु हैड बिकम लीडर्स ऑफ देयर फील्ड्स. ये एक क्रिटिसिजम ले सकते हैं बट डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो रिसर्चर्स का जो रिटर्न है चाइना में वो बढ़ते जा रहा है. अब एक सिस्टमिक इशू क्या है इस स्कीम में दैट इज ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशन. सो देयर आर एक्सपर्ट्स हु बिलीव दैट बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशन नेपोटिज्म ओके चाइना इज नॉट बीइंग एट द ग्लोबल नॉलेज फ्रंटियर येट. अब हम आते हैं आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल पे व्हाई इज देयर ट्रबल इन कोसोवो अगेन. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोसोवो सर्बिया की. ठीक है, सो कोसोवो सर्बिया दे बोथ आर बाल्कन कंट्रीज. ठीक है, अब यहाँ पे बाल्कन कंट्रीज का मतलब दोज कंट्रीज हुआर फॉर्मली दी पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया. रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया. ओके, चलिए now what is the news. so you will see that the tension has escalated between the two regions Serbia and Kosovo. to so, May 29 ko jo Serbs who were protesting in north Kosovo okay against the NATO led Kosovo force to so, isme 13 NATO soldiers aur 50 Serbs jo hai wo injured ho chuke hain. okay, ab yahan pe agar aap dekhen Kosovo aur Serbia theek hai na. तो कोसोवो जो है इट इज डोमिनेटेड बाय एथनिक अल्बेनियन. ओके, एथनिक अल्बेनियन एंड जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वो यहाँ पे सर्बियंस की है. वो यहाँ पे सर्बियंस की एथनिक पॉपुलेशन है. फाइन, नाउ सर्बिया जो है वो कोसोवो को अपना हिस्टोरिकली पार्ट समझता है बट कोसोवो में अगर आप देखेंगे तो वो दे वॉन्ट इंडिपेंडेंस फ्रॉम सर्बिया. ओके, सो इफ यू सी द न्यूज द हिस्ट्री सो सर्बिया का जो है इट डज नॉट रिकोगनाइज कोसोवो सोवरेंटी एंड कंटिन्यूज टू कंसिडर इट एज इट्स पार्ट. अगर हम कोसोवो की बात करें विच वॉज द फॉर्मर प्रोविंस ऑफ सर्बिया इट हैज डिक्लेयर इट सेल्फ इंडिपेंडेंट इन 2008 बट इट हैज ऑल्सो रिकोगनीशन फ्रॉम 100 नेशंस विच ऑल्सो इंक्लूड यूएस एंड ईयू मेंबर सम ऑफ द ईयू मेंबर कंट्रीज. अब हम यहाँ पे अगर कोसोवो की हिस्ट्री देखें तो जो सर्बियन अम्पायर था इट हैड गेन्ड कंट्रोल ऑफ कोसोवो इन 12th सेंचुरी. फाइन, उसके बाद इट ऑल्सो बिकेम द हार्ट ऑफ द सर्बिया वेयर सर्ब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्चेज एंड मोनास्ट्रीज वेयर बिल्ट इन कोसोवो. उसके बाद कोसोवो जो है वो ऑटोमन अम्पायर का पार्ट बनता है पूरे 500 साल के लिए इन दी आफ्टर द 1389 बैटल ऑफ कोसोवो. अब इस 500 साल के दौरान क्या होता है कि कोसोवो का जो पूरा एथनिक बेस है वो पूरा चेंज हो जाता है. सो नाउ इट बिकम्स अ मेजोरिटी एथनिक अल्बेनियन रीजन विद मुस्लिम्स इन अ मेजोरिटी. फाइन, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगेन इट बिकम्स द प्रोविंस ऑफ सर्बिया विच इज देन वन ऑफ द 6 रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया. तो इफ यू विल सी दैट सर्बिया नाउ कंसिडर्स कोसोवो एज इट्स पार्ट बट कोसोवो में जो है देर आर एथनिक अल्बेनियंस हु मेक 90% ऑफ द कोसोवोस पॉपुलेशन. तो इनको सर्बिया का पार्ट बनना के अगेंस्ट हैं ये लोग. ओके, नाउ व्हेन वी कम टू 1980s टू 1990s तो जो कोसोवो अल्बेनियंस हैं दे स्टार्ट मोबिलाइजिंग
एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग द सेपरेशन फ्रॉम सर्बिया। ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि सर्बिया के जो ऑटोक्रेटिक लीडर थे 1989 में स्लोबोदन मिलोसोविक, ही लेवरेज दिस साइबेरियन नेशनलिज्म टू कंसोलिडेट पावर एंड स्ट्रिप्ड कोसोवो ऑफ इट्स ऑटोनॉमी। ओके, अब प्रॉब्लम जब लेट 1990s स्टार्ट होता है तो प्रॉब्लम जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोसोवो एल्बेनियंस हैं, वो एक इंसर्जेंसी स्टार्ट करते हैं सर्बियन रूल के अगेंस्ट। उसके बाद सर्बिया इसको मिलिट्री क्रैकडाउन से रिस्पॉन्स करता है 1998 और 1999 में। ओके, उसके बाद इस बीच में नाटो जो है वो इंटरवेन करता है, ठीक है, और अपने फोर्सेस को डिप्लॉय करता है कोसोवो में। ठीक है, उसके बाद 2008 आता है जब कोसोवो अपने आप को सर्बिया से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है। ओके, फिर सर्बिया इस चीज़ को चैलेंज करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो जहाँ के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहता है कि उसके ओपिनियन में कोसोवो का ये डिक्लेरेशन डज नॉट गो अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ। अब हम आते हैं करंट सिचुएशन पे कि करंट में क्या चल रहा है। नाउ इफ यू विल सी दैट कोसोवो में देयर इज एन एथनिक सर्ब माइनॉरिटी ऑल्सो हु दे आर लिविंग एंड दे आर 50,000 इन नंबर एंड दे रिसाइड इन मल्टीपल म्यूनसिपैलिटीज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोसोवो विच बॉर्डर्स द सर्बिया। फाइन, इनका जो पॉपुलेशन है टोटल दैट इज 5.3% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो कोसोवो में जो सर्ब्स रहते हैं दे डू नॉट रिकोगनाइज कोसोवो स्टेट इंस्टीट्यूशंस। ओके, वो सीधा अपना पे और बेनिफिट सर्बिया के बजट से ड्रॉ करते हैं और वो कोई टैक्स नहीं भरते, ना ही प्रिस्टिना को जो कोसोवो का कैपिटल है, ना ही बेलग्राड को जो सर्बिया का कैपिटल है। ओके, दैट इज द करंट सिचुएशन। अब नेक्स्ट इज कि कोसोवो ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर तो कर दिया है बट इट कैनॉट बिकम अ मेंबर कंट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशन विदाउट सर्बियाज अप्रूवल। वाई? बिकॉज अगर ये प्रपोजल आता है तो उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया एंड चाइना दोनों वीटो कर देंगे। ओके, अब इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए बहुत बार बातें चली। 2011 में देर वॉज अ ईयू बैक्ड बाय द यूएस एंड इट इनिशिएटेड अ डायलॉग टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एक प्रोस्पेक्ट है दैट दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द ईयू इफ दे बायलेटरली नॉर्मलाइज देयर रिलेशंस, कि दोनों ईयू का पार्ट बन जाएं और अपना रिलेशन जो है वो नॉर्मलाइज कर लें। तो 2013 में दे रीच द ब्रसल्स एग्रीमेंट। ओके, विच ऑल्सो इंक्लूडेड मेजर्स टू डिसमेंटल सर्बिया बैक्ड पैरेलल स्ट्रक्चर इन कोसोवोज नॉर्थ एंड द क्रिएशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ सर्ब म्यूनसिपैलिटीज टू लिंक कोसोवोज 10 सर्ब मेजोरिटी म्यूनसिपैलिटीज। मतलब इस एग्रीमेंट में ये था कि जो सर्बिया के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं कोसोवो में उनको रिप्लेस किया जाए एक एसोसिएशन ऑफ सब म्यूनसिपैलिटीज़ को जो एडमिनिस्टर करेगी वो एरिया विच आर डोमिनेटेड बाय एथनिक सर्ब्स। तो ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब हम आते हैं नंबर प्लेट इश्यूज पे। द नेक्स्ट इज जुलाई 2022 जहाँ पे वायलेंट क्लैशेस एक बार फिर से हुआ नॉर्दर्न रीजन ऑफ कोसोवो में। क्यों हुआ? बिकॉज सर्बियन ड्राइवर्स वेर आज टू यूज टेम्प्रेरी कोसोवो नंबर प्लेट्स फॉर देयर व्हीकल्स वैन दे आर इन द कोसोवो। जैसे कि सर्बिया में एक रूल है कि कोसोवो व्हीकल्स दे हैव टू चेंज द नंबर प्लेट वैन दे पास थ्रू और ट्रेवल इन सर्बिया, दैट इज रेसिप्रोसिटी वाली बात। तो जो एथनिक सर्ब्स थे नॉर्थ में दे स्टेज प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एंड दे पुट अप द ब्लॉकेट्स एट द टू बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स बिटवीन सर्बिया एंड कोसोवो। ओके, जो इसको कनेक्ट करता है वेस्ट यूरोप के साथ। उसके बाद दिसंबर लास्ट ईयर दैट इज 2022 अगेन कोसोवो सर्ब दे पुट अप द बैरिकेड्स ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम कोसोवो टू सर्बिया। ओके, अब हम आते हैं इस साल के अप्रैल में। तो कोसोवो में क्या हुआ कि मेयोरल इलेक्शंस हुआ म्यूनसिपैलिटीज में। नाउ दिस वाज बॉयकॉटेड बाय एथनिक सर्ब्स, तो यहाँ पे फिर कौन जीत के आएगा? अल्बेनियंस, विच इज नाउ बीइंग अपोज्ड बाय द एथनिक सर्ब पीपल। अब हम आते हैं लेट 2015 में जब एक बात हुई थी सर्बिया और कोसोवो के बीच में, तो देर हैड बीन अ लिटिल प्रोग्रेस इन रीचिंग न्यू एग्रीमेंट्स और इम्प्लीमेंटिंग द एग्जिस्टिंग वंस। तो 2018 में कोसोवो के प्रेसिडेंट और सर्बिया के प्रेसिडेंट उन्होंने प्रपोज किया कि एक बार फिर से बॉर्डर्स को रीड्रॉ किया जाए और कुछ टेरिटरीज को स्वैप कर लिया जाए बिटवीन द टू कंट्रीज, दैट इज द ओनली वे ऑफ नॉर्मलाइजेशन। पर ईयू ने इसको रिजेक्ट किया ये कह के कि इफ दिस हैपेंस देन द टेरिटोरियल क्लेम्स इन पार्ट्स ऑफ यूरोप विल इरप्ट इन टू मेनी स्टेट्स विच विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यूरोपियन यूनियन। तो एक टॉक्स था, ये सस्पेंड हो गया 2018 में।
ठीक है, वाई बिकॉज कोसोवो इम्पोस्ट 100% टैरिफ ऑन सर्बियन गुड्स इन रिस्पॉन्स टू लेटेस्ट कैंपेन टू ब्लॉक कोसोवोज इंटरपोल मेंबरशिप बिड। अब इस मार्च की अगर हम बात करें तो सर्बिया और कोसोवो दे बोथ एग्रीड टू ईयू प्लान। अब ये ईयू प्लान क्या है, दैट इज बेलग्राडे शुड स्टॉप लॉबिंग अगेंस्ट कोसोवोज कैंडिडेचर इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशंस। इस टर्म में कोसोवो क्या करेगा, दैट कोसोवो विल फॉर्म एन एसोसिएशन ऑफ सब मेजोरिटी म्युनिसिपैलिटीज। द नेक्स्ट इज दैट बोथ साइड्स विल हैव अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस टू रिजॉल्व द इशू। देन अगेन द सेम प्रॉब्लम दैट द बोथ द प्रेसिडेंट्स वॉक्ड आउट ऑफ दिस कॉम्प्रोमाइज। अब हम आते हैं रशियन एंगल पे। सर्बिया का जो है वो स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिक और मिलिट्री टाइज है मॉस्को के साथ, ठीक है, और पॉलिटिकल क्लोजनेस है दोनों प्रेसिडेंट के बीच में। ओके सो यहाँ पे द कंसर्न्स हैव इंटेंसिफाइड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ओके एंड देन मिस्टर कुर्ती जो है उन्होंने वार्न किया है कि द रशिया यूक्रेन क्राइसिस कैन स्पिल ओवर इन द बाल्कन रीजन बैक्ड बाय रशिया विच कैन बी अगेन अ प्रॉब्लम फॉर यूरोपियन कंट्रीज। अब नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेटस क्या है कि दोनों प्रेसिडेंट जून 1 को मिले जहाँ पे कोसोवो ने इंडिकेट किया है सॉल्यूशन फॉर दिस डी एस्केलेशन इज वेरी क्लोज एंड इट इज ओपन टू होल्डिंग फ्रेश इलेक्शन इन सर्ब डोमिनेंट म्युनिसिपैलिटीज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, हैक्टिक प्रिपरेशन ऑन फॉर पीएम्स यूएस विजिट। तो हमने कल एक न्यूज़ पढ़ा था कि इंडिया और यूएस का डिफेंस कोऑपरेशन, ओके, विच विल सर्व एज अ गाइडिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट इन डिफेंस सेक्टर। अब उसके बाद वी आर रीडिंग अगेन अ न्यूज वेर यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन इज विजिटिंग इंडिया नेक्स्ट वीक। सो ही इज गोइंग टू मीट विद हिज इंडियन काउंटर पार्ट अजीत डोवल, मतलब हु इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया देन अजीत डोवल। ओके अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डील्स की हम बात कर ले जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज जो मेजर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप होगा दैट इज फॉर G414 जेट इंजन विच विल बी असेंबल्ड इन इंडिया एंड देन को डेवलपमेंट प्लान अंडर द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ICET, इट वॉज लॉन्च इन जनवरी वैन मिस्टर डोवेल एंड मिस्टर सुलेवन वैन दे मेट इन US। ओके उसके बाद जो सेकेंड फोकस होगा वो होगा ट्रेड। तो जैसा कि हम जानते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो इंडिया का जो एक स्टेटस है GSP, इंडिया वॉज कवर्ड अंडर जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। तो इंडिया का ये स्टेटस जो है वो विड्रॉ हो गया था और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात थी वो बंद हो गई थी। ओके सो इन हियर द इशूज विल बी रिजॉल्विंग टैरिफ इशूज एंड प्राइस कैप ऑन मेडिकल डिवाइसेस। द नेक्स्ट इज दैट दे कैन अनाउंस अ थर्ड कंट्री पार्टनरशिप टू बी हेडेड बाई इंडिया एंड US डेवलपमेंट एजेंसीज पॉसिबली अंडर कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI which was mooted by India. Okay. Now the major irritant. अब इसमें major irritant क्या होगा? That is the State Department report on religious freedom in India. The next is manual scavenging. 508 districts in country are now free of manual scavenging, says the ministry report. So manual scavenging, जैसा कि आप जानते हैं, it is a hazardous to health, and the government aims to eliminate manual scavenging from India. तो अब यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री का एक डेटा है दैट ओनली 508 ऑफ द 766 डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री हैव बीन डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। नाउ इफ यू विल सी गवर्नमेंट स्कीम, तो सी यहाँ पे है द स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स हैज नाउ बीन मर्ज्ड विद नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम क्या है, दैट इज 100% मैकेनाइजेशन ऑफ सीवर वर्क। अब यहाँ पर हम देखें यूनियन बजट 2023-24 दैट इट शोड रुपीज 100 करोड़ एलोकेशन फॉर द नमस्ते स्कीम एंड बट नो एलोकेशन फॉर रिहैबिलिटेशन स्कीम, दैट इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म फॉर दिस स्कीम। नाउ इफ यू विल सी दैट दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन कोलाबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सो इफ यू विल सी दैट इसका जो गाइडलाइन है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है बट इट विल रिक्वायर 4,800 अर्बन लोकल बॉडीज अक्रॉस द कंट्री टू आइडेंटिफाई एंड प्रोफाइल ऑल सेप्टिक टैंक सीवर वर्कर इन रिस्पेक्टिव एरियाज। द नेक्स्ट इज डिफेंस, इंडिजीनियस हैवी वेट टॉर्पेडो सक्सेसफुली टेस्टेड। तो नेवी ने यहाँ पे एक टॉर्पेडो जो है उसको टेस्ट किया है विच वॉज इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप, उसका नाम है वरुण अस्त्र। ओके सो
वरुण अस्त्र इट इज गोइंग टू रिप्लेस द ओल्डर टॉर्पेडोज ऑन ऑल नेवल शिप दैट कैन फायर अ हैवी वेट टॉर्पेडो। तो वरुण अस्त्र क्या है? इट इज अ शिप लॉन्च्ड एंटी सबमरीन टॉर्पेडो एंड इट वॉज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाई नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापट्टनम अंडर DRDO। नाउ टू इम्पॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड। फर्स्ट इज फ्रंट लाइन डैम ब्लोन अप इन खैरसन, रशिया यूक्रेन ब्लेम ईच अदर। अब यहाँ पे एक डैम है जो पहले से पुराना हो गया था, अब वो डैम टूट गया। अब वो डैम का नाम क्या है? खाखोवा डैम। ये कौन से रिवर पे? डिनिप्रो रिवर या नाइपर रिवर, ठीक है, नाइपर रिवर। इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप। तो अब यहाँ पे ये हो रहा है कि रशिया यूक्रेन को ब्लेम कर रहा है, यूक्रेन रशिया को ब्लेम कर रहा है, पर प्रॉब्लम जो है वो दोनों को हो चुका है। नाउ सी व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम। फर्स्ट इज इन्वायरमेंटल एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसिस। देन इफ यू विल सी दैट फ्लड, फ्लड तो वहाँ पे हो ही गया है। उसके बाद ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट पावर प्लांट, नाउ इट इज ऑल्सो अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ फ्लडिंग। ओके, द नेक्स्ट इज चाइना रशिया कंडक्ट एयर पेट्रोल ओवर सी ऑफ जापान एंड ईस्ट चाइना सी। तो यहाँ पे देखिए एक बार ईस्ट चाइना सी और जापान को लेके एक बार फिर से देखिए टेंशन हो गया है। इफ यू विल सी दैट चाइना एंड रशिया दे हैव कंडक्टेड जॉइंट एयरफोर्स पेट्रोल ओवर सी ऑफ जापान एंड ईस्ट चाइना सी। द नेक्स्ट इज अगेन फतह दैट इज विक्ट्री। तो ईरान ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो है विच इज़ कैपेबल ऑफ ट्रेवलिंग एट 15 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, उसको अनवील किया है, एडिंग अ न्यू वेपन टू इट्स आर्सनल। ओके, इस नए मिसाइल का नाम है फतह और कॉन्करर इन फारसी। नाउ फ्रॉम बिजनेस, रिटेल इन्फ्लेशन लाइकली इज इन मई। तो यहाँ पे हम देखें तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है मई में वो इट हैज़ मॉडरेटेड फर्दर फ्रॉम 18 मंथ लो ऑफ 4.7% इन अप्रैल। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो मेजर रीज़न है दैट इज़ 4.7% इन्फ्लेशन का, दैट इज ड्रॉप इन वेजिटेबल प्राइसेस, ओके, एंड कुकिंग ऑयल प्राइसेस। तो रिटेल इन्फ्लेशन को हम क्या कहते हैं? वी से इट एज कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। इट इज़ रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। अब हम आते हैं पैंडेमिक ट्रीटी पर, जिसके बारे में बात कर रहा था, दैट विल द WHO पैंडेमिक ट्रीटी लीव आउट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ओके, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रीटी के बारे में बात कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पैंडेमिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सो इसके ऊपर जो काम है वो चालू हुआ दिसंबर 2021 में, व्हेन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एग्रीड फॉर अ ग्लोबल प्रोसेस टू ड्राफ्ट एंड नेगोशिएट एन इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे बात हो रही है अबाउट द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। नाउ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय माइक्रोब्स विच बिकम रेजिस्टेंस टू मेडिसिंस डेवलप टू ट्रीट देम, ठीक। जैसे कि कोई एक मेडिसिन है एक्स, अगर इसका ओवरडोज हो गया बॉडी में, ठीक, तो जो बैक्टीरिया हैं वो एक्स से ट्रीट नहीं होंगे। अब उनको एक्स से ज़्यादा हैवी दवा चाहिए होगा तभी वो मरेंगे बॉडी में, अदरवाइज दे विल रिमेन देयर। सो दिस इज कॉल्ड एज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ओके, अगर आप देखें तो देर आर मैनी डिजीज विच हैव डेवलप बिकॉज ऑफ दिस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जैसे कि आपने देखा होगा ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन, ड्रग रेजिस्टेंट न्यूमोनिया, ड्रग रेजिस्टेंट स्टाफ इन्फेक्शंस, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर अगर देखें इंपॉर्टेंट चीज जो सजेस्ट करती है, तो एक रिसर्च है फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी विच सजेस्ट दैट मैनी ऑफ द डेथ्स अमंग हॉस्पिटलाइज्ड COVID-19 पेशेंट्स वर एसोसिएटेड विद न्यूमोनिया, ठीक है। न्यूमोनिया क्या है? अभी एक सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दैट मस्ट बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, फाइन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर न्यूमोनिया के अगेंस्ट अगर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बॉडी ने डेवलप कर लिया है तो फिर वो दवाइयाँ उसके ऊपर काम नहीं करेंगी। ओके, सो यहाँ पे द ऑथर्स दे आर सजेस्टिंग दैट द पैंडेमिक ट्रीटी शुड डिस्कस अबाउट द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज साइलेंट पैंडेमिक। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट टुमारो अगेन विद अ डेली इंटरव्यू एनालिसिस। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, थैंक यू।